यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है न कि कोई गैरकानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष संस्था संघ या समुदाय को शारीरिक मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो अतः दर्शकों से निवेदन है की आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके ऐसी इस्तेमाल न करें धन्यवाद मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय सपोर्ट चैनल को अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी आप लोगों ने सही कैसे अच्छा टॉपिक है दूसरा कॉल आता है तो पता नहीं चलता है बिल्कुल ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ हो रहा है कि अगर आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं तो जब भी मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ किसी से फोन में तो जब भी कोई दूसरा कॉल आता है तो मुझे समझ में नहीं आता स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कोई लाइट वाइट कुछ नहीं जलता है तो कॉल जब भी आता है दूसरा कोई तो पता नहीं चलता किसी ने कॉल किया बाद में पता चलता है कि मिस कॉल देखाता है कोई बार बार है भाई तो वो कॉल कर रहा था बिजी बिजी बोल रहा था तो, भीजी 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 तो ये दिक्कत होता है तो बिल्कुल ये सेटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं इसको सुधार सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम दोनों लोगों को होता है एक स्मार्टफोन यूजर को भी होता है और कीपैड यूजर को भी होता है तो दोनों जो सेटिंग होता है दोनों फोन में होता है स्मार्टफोन में भी होता है कीपैड फोन में भी होता है जब किसी किसी कीपैड फोन में नहीं हो सकता है सेटिंग बाकी मैक्सिमम जो कीपैड फोन है सब में होता है और जितने स्मार्टफोन है सब में ये सेटिंग होता है कि आप उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा ना उस सेटिंग को तो जब भी कोई दूसरा कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा लाइट जलेगा फ्लैश लाइट जलेगा आपको बोलेगा यहाँ पे दिखाएगा ऑप्शन ठीक है ना कि कोई कॉल कर रहा है तो आप उसको होल्ड करके रिसीव कर सकते हैं या काट सकते हैं अपने हिसाब से तो कैसे क्या करना है उस ऑप्शन को कैसे हम ऑन करेंगे कि जब भी आपको कोई कॉल करे तो शो करें तो उसके लिए ये दो तरीका है या तो आप डायलर एप्लीकेशन में यहाँ पे जाकर सेटिंग आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप फ़ोन के सेटिंग में जाकर करके ऐसा कर सकते हैं तो मैं फ़ोन के सेटिंग में जाकर करता हूँ ताकि सब लोगों का सुविधा हो ध्यान रहे ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये रेडमी के फ़ोन में काम हो रहा है तो रेडमी के फ़ोन में ही ऐसा सेम टू सेम मिल सकता है अलग अलग फ़ोन के सेटिंग में अलग अलग जगह हो सकता है ठीक है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर आएँगे सेटिंग के जगह में और सिंपली क्या करेंगे आपको जहाँ सर्च करने का जो जगह मिल रहा है इस जगह में यहाँ पे आएंगे कॉल लिखेंगे कॉल लिखेंगे तो आपको कॉल से संबंधित बहुत सा मिल जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है कॉल सेटिंग्स पे जाना है राइट कॉल सेटिंग्स पे जाना है और इसमें ज़्यादा कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है कॉल सेटिंग्स पे जाएंगे यहाँ पे इस तरह से होगा तो यहाँ कॉल सेटिंग पर आने के बाद एक सेटिंग आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कॉल वेटिंग का राइट right? इस कॉल वेटिंग को हम लोग सिंपली क्या करेंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके okay मारेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉल वेटिंग का मतलब ही यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्लड में थोड़ा है ये सेटिंग जो बटन है ऑफ़ है यहाँ पे देखिए ऑफ दिखा रहा है तो जब भी ये ऑफ रहेगा तो जब भी कोई दूसरा पर्सन आप कॉल करते रहेंगे और कोई दूसरा पर्सन कॉल कर रहा है आपको तो आपको पता नहीं चलेगा आपको सिंपली क्या करना है इस बटन को क्लिक करके ऑन करना है और जब भी ये ऑन हो जाएगा तो ईजिली जब भी कोई कॉल करेगा आपको सेकेंड पर्सन जब भी कॉल करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा पता चल जाएगा कि कोई कॉल कर रहा है राइट ये एक तरीका है राइट तो इस तरह से मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अब की फोन में भी सेम इस तरह से मिलेगा कॉल वेटिंग के नाम से आप सर्च करिए या फिर सेटिंग में मिलेगा कॉल वेटिंग तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम के सेटिंग में या कॉल सेटिंग के जगह में जा करके देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा कॉल वेटिंग बोल के लिखा हुआ रहता है तो वहाँ इजीली आपको मिल जाएगा और इसको ऑन करने के बाद ही जब भी कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कॉल करता है तो आपको पता चल जाएगा अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना तब तक ले बाय जय हिंद धन्यवाद